हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मोहॉक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3B से क्लास 10 RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक से। ये क्वेश्चन हमने लिया है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का नाम है। इसके पहले फ्रेंड्स हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया जिसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4 जिसमें गिवन है 2x-3y = 13, 7x-2y = 20। इसको हमें सॉल्व करना है तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन को नंबर दे दिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे देख सकते हैं हम 2x है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में 7x है। हमको दोनों को सेम बनाना है, देन क्या करेंगे फ्रेंड्स फर्स्ट इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड में 2 का, तो दोनों x के वेरिएबल सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, 7 × 2 = 14x, 7 × 3 = 21y = 13 × 7 = 91। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड इक्वेशन में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 × 2 = 14x, 2 × 2 = 4y = 20 × 2 = 40। यहाँ पे भी हम सेम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे x का दोनों जो कांस्टेंट है वो सेम हो गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 3, इसको 4, तो बाय सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 से 4 को। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे पहले साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, प्लस 14 माइनस 14x कैंसिल हो गया, −21y + 4y क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 17y = +91 −40 क्या आ जाएगा, प्लस का 51। सो y = क्या आ जाएगा, 51 − 17। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस जो है डिनोमिनेटर में −1/-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा माइनस का 51/+17 कैंसिल कर देंगे, 17 × 1 = 17 and 17 × 3 = 51, माइनस का 3। तो वाई की वैल्यू हमें क्या मिली है, माइनस में 3। ये फ्रेंड्स सॉल्व हो गया जिससे हमने वाई को फाइंड किया। अब वाई की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके एक्स को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं वाई की वैल्यू को, लिख सकते हैं बाय पुटिंग y = −3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x-3y = 13। यहाँ पे लिख सकते हैं 2x-3y = 13, y = हमें पुट करना है −3, क्या मिलेगा, −3 × −3 = 13। सो 2x = +9 हो जाएगा यहाँ पे, 2x−3 × −3 + 9। ठीक है, 2x = मिलेगा 13 − 9 = 4, तो x = क्या आ जाएगा, 4/2 = 2। तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू है वो क्या मिल गई है, 2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x = 2 एंड ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर x = 2 and y = −3। इस तरीके से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रेंड्स आप देख रहे हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस
वीडियो में जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ये मेथड आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड इस तरह से और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। इस एक्सरसाइज के फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जिसका वीडियो आपके चैनल पर मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।